किस तरीके से आपको फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करना है। इस चीज के अंदर हम दो प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करेंगे, जो मैं आपको टेक्निक दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आपको एज इट इज पेस्ट कर देना है। दैट इज हाउ यू विल मेक मनी। ये तरीका क्या है और इस तरीकों को अगर आप एज इट इज इंप्लीमेंट करते हैं तो बिलीव मी विद इन 24 आवर्स आपकी साइट पे आपको गूगल का अटेंशन और यूजर के ट्रैफिक का अटेंशन देखने को मिलेगा। आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च किया है फिर भी आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है जीरो, अगर आपने एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉपर बैकलिंक बना के रखी है फिर भी आपकी साइट पे आ रहा है ट्रैफिक जीरो, इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपको यह नहीं पता है कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक भी इनडायरेक्ट तरीके से आपकी साइट पे आ सकता है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कैसे आप यूजिंग सेम कंटेंट विदाउट एनी बैकलिंक स्ट्रेटजी आपकी साइट पे फ्री का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ये तरीका क्या है और इस तरीकों को अगर आप एज इट इज इंप्लीमेंट करते हैं तो बिलीव मी विद इन 24 आवर्स आपकी साइट पे आपको गूगल का अटेंशन और यूजर के ट्रैफिक का अटेंशन देखने को मिलेगा। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास फ्रॉम ब्लॉगिंग वॉस और सुप्रीम कैंपस डॉट कॉम, और इस चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग के प्रीमियम टिप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शेयर करते हैं, सिर्फ एक मिनिमम फीस है। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले चीज, अगर आप 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं जो कि 100% फ्री है, तो आप हमारे bloggingwars.com पे आकर के यहां पर एनरोल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं किस तरीके से आपको फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करना है। इस चीज के अंदर हम दो प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करेंगे, जहां पर एक है कोरा और दूसरा है medium.com। कोरा क्या है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये एक FAQ वेबसाइट से, अगर आप इसके नॉर्मल सिमिलर वेब के स्टैट्स पे जाके देखेंगे यू विल बिलीव इट, बेसिकली यहां पर 720 मिलियंस का एस्टिमेटेड ट्रैफिक एवरी मंथ आता है। और जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वो है medium.com, जहां पर इसके स्टेट्स में अगर जाकर के मैं देखूं तो यहां पर आपको नजर आ रहा है यहां पर ट्रैफिक 134 मिलियंस का एवरी मंथ आ रहा है। वेल, कोरा पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस फिगर आउट करने होंगे जिनके आंसर्स के अंदर आप आपके ब्लॉग पोस्ट का लिंक शेयर करेंगे, बट कौन से ये मैं डिटेल में बताऊंगा। और सिमिलरली medium.com पे जो मैं आपको टेक्निक दिखाने वाला हूं सिर्फ आपको एज इट इज पेस्ट कर देना है। दैट इज हाउ यू विल मेक मनी और यू विल गेट अ ट्रैफिक, क्लियर। तो सबसे पहले कोरा के अंदर आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर मैं यहां पे जाकर के स्टैट्स की बात करूं, योर कंटेंट एंड स्टैट्स की बात करूं, तो मैंने यहां पर कंटेंट 4 महीने पहले पब्लिश किया हुआ है, वो भी रफ कंटेंट, स्टिल 632 व्यूज एवरी मंथली बेसिस पे आ रहे हैं। कुछ कुछ टाइम पे आप देख पा रहे हैं डे टू डे 2250 पीपल भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देख रहे हैं, अगर उसके मिडिल में लिंक है तो वो उसको क्लिक करके साइट पे भी जाएंगे। तो आपको किसको आंसर करना, और यही नहीं कि यूजर का कोरा पे आना जरूरी है, आई विल टेल यू अ टेक्निक जिससे गूगल आपको ट्रैफिक ड्राइव करेगा वाया कोरा, ओके। तो ये तो हो गया तरीका। सबसे पहले हम दो प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले हैं जहां पर हम क्वेश्चंस या फिर एज इट इज पोस्ट को पेस्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट बिट इज आपको क्या करना है। इमेजिन कीजिए आपकी एक वेबसाइट है लाइक मेरी जो है MRVS आइडिया, और बेसिकली साइट पे मैं बहुत सारा टेक टिप्स रिलेटेड कंटेंट अभी रिसेंटली पब्लिश करने लगा हूं, और मान लीजिए कि मेरा एक रिसेंट कंटेंट है Why iPhone 15 Pro Max will launch the countdown begins। प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च किया है, प्रॉपर कंटेंट रिसर्च किया हुआ है, प्रॉपर इंटरनल लिंक है, प्रॉपर इमेजेस एडेड की हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पर ट्रैफिक आना चाहिए। बट कैसे, अगर गूगल का इस कीवर्ड पे मुझे अगर कोई अटेंशन नहीं मिलेगा तो मुझे ट्रैफिक नहीं आएगा। वेल, इसी के साथ गाइस मैं आपको एक चीज और अवेयर करवाना चाहता हूं कि अगर आप भी आपका ब्लॉग मेरी तरह वर्डप्रेस में सेटअप करना चाहते हैं तो आपको एक रिलायबल होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। उस केस के अंदर आप होस्टिंगर जैसे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर अगर आप प्रीमियम प्लान के साथ जाते हैं तो आपको अनलिमिटेड होस्टिंग मिलती है, फ्री SSL, फ्री अनलिमिटेड वेबसाइट्स यहां पर होस्ट कर पाएंगे और फ्री का डोमेन। और यही नहीं, अगर आप इसके थ्रू चेकआउट विंडो पे जाएंगे एंड देन वहां पर जाकर के मिनिमम 12 मंथ के प्लान के साथ में अगर आप यहां पर आकर के एक प्रोमो कोड MRVS को यूज करेंगे तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली 10% रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी आपको बेनिफिट है। और अगर आपने मेरे लिंक से परचेज किया है तो उसका एक इनवॉइस कॉपी आप सिंपली इस वाले पेज पे आए bloggingwars.com/offer वाले पेज पे आए, जैसे आप इस पेज पे आते हैं आइडियली यहां पर अगर यस आई वांट टू क्लेम बोनस और गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, बाकी के बोनसेस जो स्क्रीन पे लिस्टेड है अलोंग विद अ प्रीमियम लाइसेंस की फॉर अ थीम वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो आई इमेजिन कि आपने भी आपका ब्लॉग या तो वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर कहीं पे तो पब्लिश करके रखा है और हम चाहते हैं कि इस पे ट्रैफिक आना चाहिए। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हेड ओवर करना है एक SEO टूल जिसका नाम है सेमरश, ओके। और सेमरश का इस्तेमाल करें क्योंकि यहां पर हम टेक्निक यूज करने वाला है कीवर्ड गैप, और हम ऐसा फिगर आउट करेंगे कीवर्ड जिसके लिए कोरा और मीडियम जैसी वेबसाइट
ऑलरेडी रैंक कर रही है और हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, सिंपल एंड दैट मच इजी। ओके, इसके लिए जैसे आप कीवर्ड गैप पे जाएंगे, यहां पर आपको मल्टीपल डोमेन को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको टाइप करना quora.com, फिर आपको टाइप करना है यहां पर medium.com। जैसे आप इन दोनों को टाइप करेंगे quora और medium.com, एंड आपको यहां पर कंपेयर पे क्लिक करना है, तो ये टूल क्या करेगा, रूट डोमेन और इन दोनों के कंपैरिजन के बाद में हमें बहुत सारे कीवर्ड के आइडिया देने वाला है जिसपे दोनों डोमेन रैंक कर रहे हैं। और हमें ये पता है कि मीडियम और कोरा जैसी वेबसाइट्स कहीं पे भी रैंक करती है, आप इसको इजीली बीट कर सकते हैं। वेल, एक चीज और नोट करने की, अगर आपको सेमरिश का 14 डेज का फ्री ट्रायल चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसके फ्री ट्रायल के साथ में भी इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज जुगाड़ बहुत सारा है, यू नो इट वेरी वेल। ओके, तो यहां पर जैसे आप स्क्रीन पे फिल्टर करते हैं quora.com medium.com, यहां पर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स के आइडियाज मिलते हैं जो आइडियाज आप सेल्फ फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पे आने के बाद आपको कुछ फिल्टर सेट करना। सबसे पहला पोजीशन, ऐसा पोजीशन कि आपके सारे कॉम्पिटिटर या फिर दोनों डोमेन, एनीवेज आप नहीं है, इसके हिसाब से quora.com आप हैं, लेकिन हमारे लिए तो हमारी वेबसाइट कोई डिफरेंट है जिसको हमें एंटर नहीं करना है। आपको यहां पर आने के बाद में, पोजीशन में जाने के बाद, ऑल डोमेन में एंटर करने के बाद, चाहे तो आप यहां पर मैक्सिमम अप टू 30 तक, मतलब जो वेबसाइट्स, जो कीवर्ड ऐसे जहां पर ये साइट अप टू 30 तक रैंक है उसको यहां पर लिस्ट करेगा, तो आपने 0 टू 30 या फिर ऑल या फिर कुछ भी नहीं, 30 यहां पर जैसे अगर आप इंसर्ट करते हैं, यू विल फिगर आउट कि अप टू 30 पोजीशन तक इनके जो जो भी कीवर्ड है वो आपको यहां पर दिख जाएंगे। यहां पर दिख रहा है एक ऐसा कीवर्ड है वॉटपैड जिसपे कोरा 17 पे रैंक कर रहा है और medium.com 23 पे, जिसपे सर्च वॉल्यूम है 1.8 मिलियन का। अभी हम क्या करेंगे, आपका जो कोई भी निश है, आप किसी भी निश में काम करते हैं, उसका एक ब्रॉडर कीवर्ड ऐड करना है। मान लीजिए कि मैं आईफोन से रिलेटेड मैंने अभी कंटेंट लिखा और मैं चाहता हूं कि मेरी साइट पे आईफोन से रिलेटेड ट्रैफिक आए, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे आने के बाद मैं टाइप करूंगा आईफोन। यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा ब्रॉडर लेवल पर हेल्थ और फिटनेस में, अगर आप कीटो डाइट में, तो आपको कीटो डाइट नहीं एंटर करना है, आपको डाइट एंटर करना है, ताकि आपको वैरायटीज ऑफ कीवर्ड के आइडियाज मिलेंगे। जैसे मैंने यहां पे आईफोन एंटर किया, यू कैन सी यहां पर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जहां पर कोरा 30 पे है, मीडियम 27 पे, ये 16 पे, ये 14 पे। तो यहां पर देख रहे हैं हाउ टू लॉक एप्स ऑन आईफोन, एक ऐसा कीवर्ड है जो यूएसए के अंदर कहीं ना कहीं कोरा की साइट 16 पे है और medium.com 14 पे है। ओके, तो लाइकवाइज यहां पर दूसरा कीवर्ड है हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस ऑन आईफोन, इसके लिए ये 17 पे है, ये 19 पे है। लाइकवाइज यहां पर आईफोन 20 पे कोरा ऑलरेडी नंबर 3 पे रैंक कर रहा है जिसका सर्च वॉल्यूम है 5.4K। यहां पर यूट्यूब डाउनलोडर आईफोन यहां पर 16 और 13 है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये सब वो कीवर्ड है जहां पर कोरा जैसी लो हैंगिंग वेबसाइट टॉप 20 में है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये हमारा कीवर्ड है और इस कीवर्ड को हम कॉपी करके हम गूगल में एंटर करते हैं। जैसे मैं इस कीवर्ड को एंटर करूंगा, यू विल फिगर आउट कि यहां पर सबसे पहले कैशिफाई रैंक कर रहा है, इसके बाद में यहां पर मैक है, यहां पर लैपटॉप मैक है, यहां पर रीडर्स है, एयरड्रॉप है, मेक यूज है, लाइफवाइज, और यहां पर दिख रहा है आपको medium.com टॉप 10 के अंदर है। ओके, तो नंबर 1 इसको आपको ओपन करना है न्यू विंडो के अंदर। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड पेज के अंदर जाऊंगा, तो यहां पर जैसा कि टॉप 16 टॉप 20 के अंदर कोरा है, तो हमें यहां पर फिर से एक medium.com और सिमिलरली यहां पर कोरा भी देखने को मिल रहा है। तो यू हैव टू ओपन दिस टू ब्लॉग पोस्ट जहां पर मीडियम दिख रहा है, जहां पर कोरा। सबसे पहले हाउ डू आई लॉक द ऐप ऑन एन आईफोन, ये हमारा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अगर हम जाके देखें, यहां पर 16 लोगों ने आंसर किया है। अगर ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर जिस किसी ने भी किया, जो करीबन 7 साल पहले पोस्ट किया हुआ, ये 1 साल पहले पोस्ट किया हुआ है, यहां पर ये 4 साल पहले पोस्ट किया हुआ, यहां पर 6 साल पहले पोस्ट किया, तो यहां पर आप फ्रेश आंसर्स को पेस्ट कर सकते हैं। एंड व्हाई, क्योंकि अगर मैं इस आंसर को एक्सपेंड करता हूं, आप देख पा रहे हैं इस ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर को 33,000 बार देखा गया है। इमेजिन कीजिए अगर आप इसका आंसर करते हैं जो फ्रेश कंटेंट है, जहां पर ट्रैफिक न सिर्फ डायरेक्टली कोरा से आएगा, बल्कि यूजर जैसे इस कीवर्ड को सर्च करेगा, जिसका सर्च वॉल्यूम हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं 10,000 से ज्यादा तो टारगेटेड कीवर्ड का, और उसमें कोरा रैंक कर रहा है, और अगर कोरा वहां पर रैंक कर रहा है, तो हमें क्या करना है, बस इस क्वेश्चन को आंसर करना। और कैसे करेंगे, हमारे पास है मास्टर टूल कॉल चैट जीपीटी। अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी क्या है, तो ये भी उसी सीरीज का पार्ट है जहां पर हम चैट जीपीटी की हेल्प से ब्लॉगिंग को कैसे इजी बना के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके सारे वीडियोस के लिंक और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर जाके देखिए। यहीं पर हमने एक अलग से एक प्लगइन यूज किया है AIRPM, और उसको यूज करने से आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। आप चैट जीपीटी 3.4 या 5 जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। अभी के लिए मान लीजिए कि मैं लिगेसी वाला यूज करता हूं। ये सेक्शन यूज करने के बाद आपको एज इट इज कीवर्ड को यहां पे यूज करके एंटर करना है। जैसे ही आप यहां पर एंटर करेंगे, यू विल फिगर आउट कि यहां पर डायरेक्टली हमारे लिए एक रेडीमेड कंटेंट, जिसको आप एज इट इज कोरा पे पेस्ट कर सकते हैं,
वो यहां पर आने वाला है, ओके? सिमिलरली मान लीजिए कि इसी के साथ जैसे ही वो कंटेंट आपको पेस्ट करे, आपको एक अदर टूल यूज करना है कॉल क्विलबोर्ड। इसका एडवांटेज ये है, ये एज इट इज कंटेंट जो भी ये प्रोड्यूस करेगा आपको डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है कोरा पे, बिकॉज अगर आप उसको एज इट इज पेस्ट करेंगे कोरा का एल्गोरिथम कहीं तो फिगर आउट कर देगा कि आप इसे एआई पावर टूल से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम मिडिल लेयर में एक फ्री फ्रेजर का टूल को यूज करेंगे, देन विल यूज द सेम कॉन्टेंट एज इट इज ऑन दोस प्लेटफॉर्म। सो विल वेट जब तक यहां पर हमें यहां पर रिस्पॉन्स आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसने हमें सब कुछ फिगर आउट कर लिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये सारी चीजें जो हमें यहां पर दिख रही है सिंपली आपको कॉपी करना है, ये रीफ्रेजर में जाना है, एज इट इज पेस्ट करना है, यहां पर अप टू 125 कीवर्ड आ सकता है, एंड देन यू हैव टू क्लिक टू द रीफ्रेज। जैसा आप रीफ्रेज पर क्लिक करते हैं ये वाला कॉन्टेंट विल बी बेटर एज कंपेयर टू दिस वन। तो जैसे ही आता है आपको सिंपली कॉपी करना है, देन गो बैक टू द कोरा जहां पर हमने वो क्वेश्चन को देखा था, राइट, जिसका हम आंसर करने वाले हैं आंसर, एंड देन यहां पर आकर के आपको सिंपली टाइप करना है जो कुछ आपको मिला है, राइट। योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सिक्योर्ड एंड ऑल दैट, सेटिंग अप टच पैड और आईपैड और पासकोड, राइट, एंड देन आफ्टर ये सारे स्टेप्स हैं, ओके? तो जस्ट आपको इसको अलाइन कर देना है जो भी आपको सही लगता है, ओके? एंड देन वन, इसके बाद मैं फटाफट से इसको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता हूं, ओके? लाइकवाइज हमने क्या किया, यहां से ही क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर मोर आपको सिंपली टाइप करना है प्लीज रीड आर्टिकल ऑन, फिर आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट का लिंक है जो भी आपको सही लगता है, यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट है जिससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन को आंसर किया है हमने यहाँ पे पेस्ट किया हमारा लिंक, एंड दैट इज हाउ यू विल पोस्ट इट। जैसे आप इसको पोस्ट करते हैं लाइकवाइज आपको रिपीटेडली इन क्वेश्चंस का आंसर करना है ताकि ओवर द टाइम क्या होगा आपका एक मैसिव कंटेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा जो ऐसे टारगेटेड क्वेरीज को आंसर कर रहा है जिसके लिए वो गूगल में रैंक कर रहा है और जहां पे ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है। और सेम चीज आपको medium.com पे रिपीट करनी है, यहां पर आपको एक अकाउंट बनाना है जो कि प्रीटी मच इजी है, हमने प्रीवियसली भी इसके बारे में डिस्कस किया है कैसे medium.com को आपको यूटिलाइज करना है। तो यहां पर अकाउंट बनाना है और आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है, medium.com का प्रोसेस है आपको एज इट इज ब्लॉग पोस्ट को वहां पर पेस्ट कर देना है कि ये हमारा टाइटल, ओके? देन आफ्टर बाकी का जो कंटेंट आपको स्पिन करते रहना है कहां पर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ क्विलबॉट, एंड देन आफ्टर कम बैक टू द medium.com। और जैसे आप medium.com पे आते हैं देन यू विल फिगर इट आउट कि आपको यहां पर राइट का ऑप्शन मिलेगा और आपको यहां पर आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वो पब्लिश करना है। एग्जाम्पल के लिए हमारे टाइटल हो गया, ओके? देन आफ्टर वी विल गो बैक और जो भी स्पिन किया हमने, ठीक है, एक बार और स्पिन करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसको फिर से आपको स्पिन करना है। जैसे आप इसको स्पिन करेंगे डायरेक्टली यू हैव टू कम बैक, गो बैक टू द medium.com एंड देन पेस्ट इट हियर, ओके? एंड देन आफ्टर फिर से यहां पे फॉर मोर आप यहां पर आपकी साइट का जो भी ब्लॉग पोस्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली मेरा डोमेन नेम एंटर करूंगा एंड लाइकवाइज आई विल पब्लिश इट। जैसे आप इसको पब्लिश करते हैं हमें किसी के साथ में भी कोई टॉपिक ऐड नहीं करना है, ओके? और जैसे आप इसको पब्लिश करते हैं, ओके, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्टेंट यहाँ पे लाइव हो जाना चाहिए। तो लाइकवाइज जैसे आप इस अकाउंट को साथ में कंटेंट को पब्लिश करते हैं यू विल फिगर आउट कि अभी medium.com की जो भी ऑडियंस है उनको भी medium.com ये ट्रिगर करता रहेगा और इसको भी क्वाइट ईजी टू बिट करना है। आपको यहाँ पर ट्राफिक इस वाले पे भी आएगा और इसके थ्रू आपकी साइट पे भी ट्राफिक जाएगा। तो लाइकवाइज आप medium.com और quora.com को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको बस यहां पर एक कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी नीच को आपको एंटर करना है, दैट इज हाउ इट विल गिव यू लॉट ऑफ कीवर्ड जो कीवर्ड आप एज इट इज फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। तो फुल गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये पूरी टेक्निक आप ChatGPT की हेल्प से कैसे आपकी साइट पर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं इस पर पूरी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना के रखी है और आगे भी बहुत सारे डिटेल में वीडियो आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।